अरे सोनू, हाँ इसकी शक्ल सही करिए। कितने बजे लाए इसको मैडम सुबह? कितने बजे आइए? आज प्रातःकाल सेंट्रल जेल में दो बंदी जो कि सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में कन्विक्टेड थे, इनमें से एक बंदी अनवर नाम का जो आरोपी है, उसने पन्नालाल नाम का एक आरोपी, दोनों ही कोटा संभाग के रहने वाले हैं। जो आरोपी है वो कनवास के रहने वाले हैं और जो मृतक है वो केशवरायपाटन के रहने वाले हैं। जो आरोपी है उसने एक नुकीले पदार्थ से आज मॉर्निंग में 4 o'clock के बाद में मृतक पे गंभीर वार किए और उसमें उसकी डेथ हो गई है। अभी पोस्टमार्टम वगैरह करा करके हम लोग बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी कर रहे हैं। हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाएगा। तो विवाद की वजह क्या? दोनों बंदी एक ही लंबे समय से, एक 2011 से है और एक उससे पूर्व से हत्या के मामले में वांछित थे और अभी तक जो हत्या का कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए, इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हो पाए। कौन सा बैरिंग है, किस बैरिंग में? ये सेंट्रल जेल के अंदर है, बैरिक एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। सर कोई और किस मामले में था? सर अंदर ये दोनों ही हत्या के मामले में थे। एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, दूसरा बंदी है वो भी कन्विक्टेड है। तो अंदर इस तरह का वेपन या कोई धारदार हथियार किस तरह पहुंचा या अंदर एक शार्प वेपन है? अभी ये कैसे पहुंचा, किस तरह से डेथ हुई है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो पाएगी। आज सुबह सेंट्रल जेल के अधीक्षक का फ़ोन आया और इसमें ये डिटेल बताई कि आज सुबह 4 बजे के आसपास में वार्ड नंबर 7 में दोनों पास में सो रहे थे मृतक और जिसने हमला किया था, और सुबह 4:01 बजे उठ के उसने एक धारदार जो चम्मच नुमा प्रतीत होता है उसको घिसकेर ऐसा तैयार किया और सीधा सोते हुए आदमी पे अटैक कर दिया। पास में एक बंदा था, तीसरा आदमी जो सुबह बता रहा है साहब इनके बीच में कुछ बात हुई थी कि भाई कोटा कितनी दूर है, तो उसने झिड़कते हुए कहा कि भाई मेरे को पता नहीं है। इसी बात को लेकर उसने 2-3 ताबड़तोड़ सीधा हार्ट पे अटैक किया, जिससे हार्ट ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ट पंचर हो गया और हॉस्पिटल ले जाया गया उसको, पर वो उसी अटैक से कोलैप्स हो गया। ये रहने वाला हीरालाल मृतक है, हीरालाल मीणा निवासी पाटन बूंदी का है, और ये अनवर जिसने हमला किया था वो अनवर पुत्र रमजानी है जो कनवास जिला कोटा का निवासी है। ये बड़ी दुखद घटना है और उसको हॉस्पिटल ले गया, उससे वो आदमी कोलैप्स हो गया और उसकी डेथ हो गई। कोई पुरानी जर्नलिस्ट ऐसा प्रथम दृष्टया सामने नहीं आ रही है, पर उसका मुकदमा अलग से दर्ज हुआ है और SHO सिविल लाइन्स उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे सामने। पर अभी मौका जो विजिट किया था मैंने सुबह सेंट्रल जेल का, उसमें जो प्राप्त हुई थी वो चम्मच नुमा चम्मच था उसको घिस के तीखा कर दिया गया और जो सीधा अटैक वहीं हार्ट पे किया और उस वजह से वो आदमी की डेथ हुई। इस मामले में बनता था ये अनवर है जो इसमें बता रहे हैं, 5-7 मामले हैं, एक MP का भी इसमें 10 साल की सजा हुई है और एक 302 का भी सजा ये मुलजिम है।
सात आठ केस इस पे चल रहे हैं, काफ़ी उस पे संगीन केसेज चले हैं और उसको सजा भी हो रखी है। एक सर उससे पहले भी कल हर जगह से हुई है क्या? नहीं, वो एक नेचुरल कार्डियक अरेस्ट का बता रहे हैं, जैसे वैसे पूरी स्थिति साफ, पोस्टमार्टम उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, उनके पेरेंट्स को सूचना दी है, और अभी उनके पेरेंट्स हैं जो जयपुर आ गए हैं, उनके सामने जो